छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है जो देश के मध्य भाग में स्थित है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। इससे पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। कहते हैं कि किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। छठी और बारहवीं शताब्दियों के बीच सर्वपुर या पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरी और नागवंशी शासकों ने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर सन 980 से लेकर 1791 तक राज किया। सन 1854 में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद महत्व और बढ़ गया। सन 1904 में संबलपुर उड़ीसा में चला गया और सरगुजा रियासत बंगाल से छत्तीसगढ़ के पास आ गई। छत्तीसगढ़ के सीमाएं। छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से घिरी हुई है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी सीमा में झारखंड, दक्षिण पूर्व में ओडिशा राज्य, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र तथा उत्तरी पश्चिम भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। छत्तीसगढ़ का भूभाग संपूर्ण भारत के भूभाग का कुल 4.14% है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,361 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 10वां बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2,55,00,000 है। जनसंख्या की दृष्टि से इस राज्य का भारत में 17वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व 189 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राजभाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। राजकीय पशु जंगली भैंस। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष साल है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिला है। साक्षरता दर 70.28%, स्त्री साक्षरता 60.24%, पुरुष साक्षरता 80.27% है। छत्तीसगढ़ में 33 जिले और 5 संभाग है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़। उच्च न्यायालय बिलासपुर। वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके, वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90, लोकसभा सीट 11 और राज्यसभा सीट 5 है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के नाम हैं बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला पिंडरा, मरवाही, जांगीर चापा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सारंगढ़, भिलाईगढ़, सक्ति, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, ये सभी 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग है, जिसमें पहला सरगुजा संभाग, दूसरा बिलासपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग, चौथा रायपुर संभाग, पांचवा बस्तर संभाग आता है। सरगुजा संभाग में 6 जिला आता है। पहला बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ जिला, सूरजपुर, सरगुजा आदि जिला। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, गौरेला पिंडरा, मरवाही जिला, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, यह 8 जिला आता है। दुर्ग संभाग में बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, यह 7 जिला आता है। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, यह 5 जिला आता है। बस्तर संभाग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, यह 7 जिला आता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख शहर है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई नगर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, रामानुजगंज, जसपुर नगर, सूरजपुर, चांपा, मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, गौरेला पिंडरा, मरवाही, चिरमिरी, खैरागढ़, शक्ति, अंबागढ़ चौकी इत्यादि प्रमुख शहर है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसकी उत्तरी दक्षिण लंबाई 360 किलोमीटर,
तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई 140 किलोमीटर है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण का कुछ भाग पर्वतीय और पार्क क्षेत्र है। राज्य का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, मांड, सोंढूर, कन्हार, पैरी, खारून आदि शामिल हैं। परिवहन संसाधन। छत्तीसगढ़ में परिवहन, राजमार्ग, रेलमार्ग एवं वायुमार्ग की सुविधा उपलब्ध है। राजधानी रायपुर देश के प्रमुख शहरों से वायु और रेल मार्ग से यात्रा की जाती है। रेलवे। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहर रेल मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर देश में 16वीं रेलवे जोन की स्थापना की गई है। यहाँ के प्रमुख शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव आदि रेल मार्ग भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। वायुमार्ग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रदेश के जगदलपुर, बिलासपुर से भी हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हो गया है। कला और संस्कृति। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक नृत्य जैसे पंथी, सुआ, ददरिया, नाचा आदि प्रचलित हैं। साथ ही कर्मा, गौर, सरहुल आदि लोक नृत्य प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। राज्य के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में भोरमदेव, सिरपुर, राजिम, बारसूर, माता कौशल्या धाम, चंद्रखुरी, रतनपुर, तीरथगढ़ एवं चित्रकूट जलप्रपात शामिल हैं। पर्यटन। छत्तीसगढ़ देश का हृदय प्रदेश है और इसमें जैव विविधता और समृद्ध नैसर्गिकता की प्रचुरता है। छत्तीसगढ़ अपनी अनोखी और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी क्षेत्र, भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात वन्य जिले में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया रासगंधा जलप्रपात, सरगुजा रक्सगंधा जलप्रपात, सूरजपुर अमृतधारा जलप्रपात, कोरिया रानीदाह, सामरी पाट, बैराज, मैनपाट, सरगुजा, केशकाल घाटी, कोंडागांव, कुटुमसर गुफाएं, बस्तर आदि कई स्थल हैं जो इंद्रधनुष को आकर्षित करते हैं। शिक्षा। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, भारतीय प्रशासनिक संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान रायपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, भारतीय शैक्षणिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर सहित अनेक संस्थाएं विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में करियर निर्माण के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु में भी मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसून प्रकार की है, जिसे सामान्य बोलचाल में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या शुष्क उपआर्द्र कहा जाता है। मानसून की दृष्टि से छत्तीसगढ़ शुष्क आर्द्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा प्रदेश के उत्तरी भाग सरगुजा कोरिया जिले से होकर गुजरती है, जिसका पर्याप्त प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। संपूर्ण प्रदेश की जलवायु में आंशिक भिन्नता है, जो समय समय पर वर्षा तापमान आदि के रूप में परिलक्षित होती रहती है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म में अधिक गर्मी तथा शीतकाल काफी ठंडा होने के साथ साथ वर्षा ऋतु में न्यूनाधिक वर्षा यहाँ की जलवायु की मुख्य विशेषता है। अंचल में औसत वर्षा 140 सेमी तथा इसका 90% दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात जून से 1 सितंबर के मध्य तक। खनिज और उद्योग। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ पर चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फॉस्फेट, मैंगनीज, बॉक्साइट, कोयला, एस्बेस्टोस और अभ्रक के उल्लेखनीय भंडार हैं। तांबे की सर्वाधिक मात्रा बिलासपुर जिले से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 52.5 करोड़ टन का डोलोमाइट का भंडार है, जो पूरे देश के कुल भंडार का 24% है। यहाँ बॉक्साइट का अनुमानित 7.3 करोड़ टन का समृद्ध भंडार है और टिन अयस्क का 2,700 करोड़ से भी ज्यादा का उल्लेखनीय भंडार है। छत्तीसगढ़ में ही कोयले का 2,690.8 करोड़ टन का भंडार है। स्वर्ण भंडार लगभग 38,05,000 किलो क्षमता का है। यहाँ भारत का सर्वोत्तम लौह अयस्क मिलता है, जिसका 19.7 करोड़ टन का भंडार है। बैलाडीला, बस्तर, दुर्ग और जगदलपुर में लोहा मिलता है। बैलाडीला में सर्वाधिक लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ से प्राप्त लौह अच्छी किस्म और उच्च कोटि का होता है। राज्य में 75 से भी ज्यादा बड़े और मध्यम इस्पात उद्योग हैं, जो गर्म धातु, कच्चा लोहा, भूरा लोहा, स्पंज आयरन, रेल पटरियों, लोहे की सिल्लियों और पट्टियों का उत्पादन करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सन 1957 में की गई थी। ये देश का बड़ा तथा महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। रायपुर जिले के देवभोग में हीरे के भंडार हैं।
सिंचाई और बिजली। छत्तीसगढ़ जब अस्तित्व में आया तब यहाँ कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर 1 नवंबर 2000 के अनुसार थी। 2 वर्ष और 9 माह बाद 1.25 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया। प्रमुख रूप से पूरी की गई परियोजनाएं तांदुला, कोदार और पेयरी है। हसदेव, महानदी रिजर्वायर परियोजना, सोनधुर और जो कुछ अन्य परियोजनाएं हैं। राज्य बिजली बोर्ड की कुल क्षमता 1.65 मेगावाट है, जिसमें से 1260 मेगावाट ताप बिजली और शेष पन बिजली है। राज्य बिजली बोर्ड ने कोरबा में 500 मेगावाट की अतिरिक्त स्थापित उत्पादन क्षमता 2x250 मेगावाट यूनिट बढ़ाई है। राज्य के कुल 19,270 बसे हुए गांवों में से 93% गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए यहां के 2 बड़े जलाशयों धमतरी जिले के गंगरेल स्थित रविशंकर जलाशय और दुर्ग जिले के तांदुला जलाशय को लगभग 60 किलोमीटर लंबी नहर से जोड़ा गया है। कृषि उत्पादन। राज्य में 80% आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगी है। 137.9 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से कुल कृषि क्षेत्र कुल क्षेत्र का लगभग 35% है। खेती का प्रमुख मौसम खरीफ है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं मक्का, गेहूं, कच्चा अनाज, मूंगफली और दलहन। कोरिया जिले में मक्के की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। लगभग 3.03 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन। छत्तीसगढ़ राज्य में मवेशी और पशुपालन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हैं। मवेशियों में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। पर्व एवं त्यौहार। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध त्यौहार हैं पोला, नवाखाई, दशहरा, दीपावली, होली, गोवर्धन पूजा को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है।